दासी ने अपनी सूचना कह करके जब वापस आई है, महाराज ने अपनी कचहरी को बंद किया और बंद करने के बाद में जब महारानी के आंगन में आए हैं, जहां महारानी सिसक रही होती है, रो रही होती है, अपने पिया को आते हुए देख करके महारानी के आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जो लोग दिन प्रतिदिन तरह तरह की बातें करते हैं, रानी से सुनी नहीं जाती है। अपने पिया को देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि मंत्री ने गांव की सारी हालत कह सुनाई। अपने पिया का मुख मलिन चेहरा देख करके रानी मन में सोचने लगी, मैं करूं तो क्या करूं। हरियावत देखे हुए देख करके महारानी ने अच्छे आसन पर बैठाया, जलपान कराया, लेकिन पूछने लगी, महाराज ये मुख मलिन क्यों हो, क्या बात है? तो महाराज ने कुछ भी नहीं बोले। एक बात जरूर कही रानी, अरे सदा चमन नहीं खिले, एक कदम न मिले, महाराज कहने लगे हैं, रानी ये तो वक्त वक्त का खेल है, पता नहीं कब वक्त मेरे जीवन में ऐसा आ जाए कि मैं आज तो राजा हूं, कल भिखारी हो जाऊं, ये तो समय की बात है। रानी ये सारी बातें तो छोड़ो, केवल एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, क्या बात है? तो रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं कहूं तो कैसे कहूं, जिस बात को कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, वो शब्द भी मेरे ओठों तक आते हैं और वापस लौट जाते हैं, मैं क्या कहूं? नहीं रानी, बताओ तो सही, क्या बात है? तो रानी एक बात बोली, महाराज मैंने आपको क्यों बुलाया है, सुनो। रोने लगी है रानी, चरणों को पकड़ लिया और महाराज पूछने लगे, अरे कम से कम ये तो बताओ बात क्या है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है, क्या हुआ? तो रानी कहने लगी, महाराज कर कर ख्याल आज सैया को फटी जात मेरी। महाराज शायद मैं
मैं इतनी अभागिनी हूँ, मैंने अपनी कोख से एक भी पुत्र को जन्म नहीं दे पाया। चिट्ठिया होती जो सैया, चिट्ठिया होती जो सैया बेबाज के तुरक सुनाती, कैसे बाजे कर्म या भागो पैसे न मेरी, किस्मत में ही पुत्र का सुख नहीं है, मैं वो सुख तुम्हें ना दे पाई, मुझे क्षमा कर देना। पीतल होती जो राजा भी तुरंत पाई बदलाती, विधिगत अपर पार और रानी रो रो करके कहने लगी महाराज।